महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिन पहले हुए बड़े बदलाव से हलचल मची हुई है। इस बीच राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कहना है कि उसने दो बार उद्धव ठाकरे को गठबंधन का प्रस्ताव दिया था। हालांकि संदीप देशपांडे ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट समूह ने मनसे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मनसे ने दो बार उद्धव ठाकरे को गठबंधन का प्रस्ताव दिया था, जिसे उद्धव ठाकरे गुट ने नहीं माना। एमसीपी नेता अजीत पवार अपने कुछ विधायकों के समर्थन से एनसीपी में बगावत करके एनडीए में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एक बार फिर राज्य की राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया। ऐसे में राज्य की सियासी गलियारों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक हो जाने की चर्चा चल रही है। कुछ दिन पहले मनसे की बैठक में भी मनसे पदाधिकारियों ने यही बात उठाई और इसके पोस्टर बैनर भी दिखाए थे। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिन पहले हुए बड़े बदलाव से हलचल मची हुई है। इस बीच राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कहना है कि उसने दो बार उद्धव ठाकरे को गठबंधन का प्रस्ताव दिया था। हालांकि संदीप देशपांडे ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट समूह ने मनसे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मनसे ने दो बार उद्धव ठाकरे को गठबंधन का प्रस्ताव दिया था, जिसे उद्धव ठाकरे गुट ने नहीं माना। एमसीपी नेता अजीत पवार अपने कुछ विधायकों के समर्थन से एनसीपी में बगावत करके एनडीए में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एक बार फिर राज्य की राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया। ऐसे में राज्य की सियासी गलियारों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक हो जाने की चर्चा चल रही है। कुछ दिन पहले मनसे की बैठक में भी मनसे पदाधिकारियों ने यही बात उठाई और इसके पोस्टर बैनर भी दिखाए थे।